हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और अवध क्षेत्र की राजनीति के जानकार जुड़े हुए हैं। सर, उम्मीदवार तो भाजपा ने भी उतारा, जीत से बहुत दूर थे, फैक्टर यादवों का है, लेकिन क्या जो कमाल अमेठी में हुआ है उस तरीके की स्थितियां क्या देखने को मिल सकती हैं जसवंत नगर सीट पर भी, क्योंकि वोट का जो अंतर है वो कम होता रहा, हालांकि परिस्थितियां आपने बताई क्या कारण रहे? देखिए 17 से 22 की स्थितियां भिन्न है। मौजूदा सरकार 5 साल का कामकाज कर रही है, दोनों बातें हैं। एक तो एंटी इनकम्बेंसी का असर कितना होता है जसवंत नगर सीट पर, क्योंकि वहां विपक्ष है और सत्ताधारी दल से जो लोगों को उम्मीद, यानी जो मनीष यादव के ऊपर थे, उनकी ढेर सारी उम्मीदें रही होंगी उनसे, भले वो चुनाव हारे लेकिन उनकी पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने कितना काम किया है, कितना लोगों की मदद की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर उसमें जनता उनसे नाराज है तो जो वोट उनके साथ गए थे शायद उसमें से कुछ के एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जो कृपाल यादव जी हैं जो अभी किस पार्टी से लड़ेंगे इतने नहीं है तो उनके साथ आ सकता है। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं तो उसका फायदा शिवपाल यादव को मिलेगा। लेकिन अगर मनीष यादव और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां के जनता को ये भरोसा दिलाकर उनके दिल में जगह बना ली है कि नहीं हमारी सरकार है और हम आपके लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने रिजल्ट दिया होगा जी, तो उसका असर उनके चुनाव पर पड़ेगा, उनके वोट बढ़ेंगे और शिवपाल के लिए बड़ी मुश्किल पड़ेगी। बिल्कुल, यानी कि लेकिन सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हारने के बाद भी मनीष यादव ने सक्रियता बढ़ाई होगी तो उसका फायदा मिल सकता है, अगर हाथ पे हाथ रखकर बैठे तो वो फायदा उनको नहीं मिल पाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। 203 में अब बात करते हैं गोंडा की विधानसभा सीट मेहनौन की, यानी कि सीट नंबर 295 अवध की सीट पर क्या गणित है, किसका दावा मजबूत है वो भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। गोंडा की महनौन विधानसभा सीट यानी कि विधानसभा की सीट का नंबर 295 2012 में परिसीमन के बाद बनी इस सीट पर पहला मुकाबला सपा और बसपा के बीच देखा गया, जिसमें सपा ने बाजी मार ली। वहीं 2017 में इस सीट पर भाजपा ने वापसी की और अब सबकी निगाहें 2022 के चुनाव पर हैं, क्योंकि यहां जातीय समीकरण अहम किरदार निभाने वाले हैं, जिसमें सबसे अहम किरदार 80,000 ब्राह्मण वोटर हैं जो यहाँ पर हार जीत तय करते हैं। मुलायम परिवार की पारंपरिक सीट पर मनीष यादव बड़ा चैलेंज पेश कर रहे हैं, जिनका दावा है कि अगर शिवपाल सिंह यादव प्रसपा के सिंबल पर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो इस बार जरूर उन्हें हरा देंगे। साफ है कि यादव वोटर जिसके साथ होगा जीत उसी की होगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या मनीष यादव की तरफ ये वोटर जाएंगे। कुल मिलाकर यादव वोटर जहाँ जाएंगे जसवंत नगर का सिंहासन उसके पास जाएगा।